ये प्रोग्राम शायद 2016 से जब हम लोगों ने शिक्षक प्रशिक्षण का कार्यक्रम चला रहा था, तो उस समय राज्य सरकार के निर्देशानुसार कुछ पार्ट प्रशिक्षण कुछ पार्ट कुछ समय के लिए इसमें हम लोगों ने जोड़ा था। और इसके अंतर्गत अरविंदो सोसाइटी के जो प्रशिक्षक थे प्रतिनिधि थे, वो आकर के हमारे टीचर को बहुत अच्छे से बता रहे थे कि विद्यालय में शून्य निवेश के तहत कैसे हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो जहाँ तक मेरी समझ है, या शिक्षकों शिक्षक हमसे ज़्यादा समझते होंगे, लेकिन मेरी समझ है ये है कि हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं किसी भी विषय में, तो हमारे आसपास बहुत सारे वस्तु होते हैं जो सहजता से हम देख पाते हैं, छू पाते हैं, ले पाते हैं। तो उनको ले करके हम बच्चों को एक उदाहरण दे करके उससे हम समझा सके, एक TLM या TLE के तरह उसका उपयोग कर सके। जैसे कि मान लें कि छोटे बच्चों को हम गिनती सिखा रहे हैं, तो हमारे आसपास पेड़ पौधे होते हैं, तो उसके चार डंडी हम तोड़ लिए, उसमें हम अगर उस डंडी से हम छोटे छोटे टुकड़े करके उसको उससे हम जोड़ भी सिखा सकते हैं, गिनती भी सिखा सकते हैं, उससे हम घटाव भी सिखा सकते हैं। तो ये एक सहजता से उपलब्ध होने वाले जो हमारे सामने TLM है, तो इसको हम शून्य निवेश कह सकते हैं। और ये बहुत ही सहज से बहुत सरल रूप से हम लोग ले भी पाते हैं, बच्चों को सिखा भी पाते हैं। और जैसा कि मेरा अनुभव रहा है, आज भी आपके प्रतिनिधि जो आए हुए थे, इन्होंने हमारे शिक्षक को बहुत अच्छा से बतलाया, जो भी सारे बताने थे सब्जेक्ट, तो वो सारे चीज़ों पर बताया। मैं भी कुछ देर वहाँ पर बैठ करके सुन रहा था, तो इसका शिक्षकों ने बहुत अच्छा से वो सीखा। लेकिन इसमें विद्यालय में लागू कराने की बात है, तो इसमें हम लोगों को, खासकर जो हम लोग यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं शिक्षा को अपने जिला में सभी विद्यालयों को, तो हम लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि हम अरविंदो सोसाइटी के द्वारा जितने महत्वपूर्ण उपाय जो बताए जा रहे हैं बच्चों के अधिगम क्षमता के विकास करने के लिए, उनको अच्छा से बताने के लिए, सिखाने के लिए, उनको जिस कक्षा में पढ़ रहे हैं उस कक्षा के अनुकूल उनमें अधिगम क्षमता विकसित करने के लिए जो बताए जा रहे हैं अरविंदो सोसाइटी के द्वारा, तो उनको हम लोग एकदम बहुत अच्छा से लग कर मेहनत करके उसको हम लागू कराएं, और उसका पूरा पूरा लाभ 100% लाभ बच्चों को मिल सके और बच्चे इससे लाभान्वित हो सके। तो ये जो कार्यक्रम है आपके बहुत अच्छा है, और ये मैं पिछले 4-5 सालों से देख रहा हूँ। एक्चुअली मैं दूसरे जिला में भी था, तो वहाँ भी आपके प्रतिनिधि आ रहे थे, वो भी बहुत समझदार थे, बहुत अच्छे से किसी चीज को टैकल भी करते थे और बताते भी थे शिक्षक को। तो ये मेरे विचार से बहुत ही अच्छा जो उपाय बताए जा रहे हैं, शिक्षण विधि बताए जा रहे हैं, वो बहुत अच्छा है। और इसके लिए मैं अपने कोडरमा जिला की ओर से, शिक्षा विभाग की ओर से बहुत बहुत अरविंदो सोसाइटी को धन्यवाद करता हूँ।